आदाब, आज हम बनाने वाले हैं ग्वार फली। ये देखिए हमारे पास ग्वार फली है, ये रही बिल्कुल छोटी ग्वार फली है, जबकि ये बड़ी भी आती है। आप ये ग्वार फली इस तरीके से डंडियों से अलग कर लें और इस तरीके से इसको काट लें, और हो सके तो इसको आप काटे नहीं बल्कि हाथ से तोड़ें, जैसे कि ये हमारी टूटी हुई है। ये रही, हमने इनके दो पीसीस कर दिए हैं। ये ग्वार फली है, ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, इसको ज़रूर बनाएं और ज़रूर खाएं, बहुत ही अच्छी है। तो ये हमारे पास 150 ग्राम के करीब ग्वार फली है, इसको हम बनाने वाले हैं। इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक हमारे पास छोटा टमाटर है बड़ा प्यारा सा, जो हमने इसको कद्दूकस कर लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए ये तीनों मसाले, हमें ज़रा सी सी हल्दी चाहिए इसके अंदर, और थोड़ा सा हमें चाहिए इसके अंदर मामूली सा सिर्फ खुशबू के लिए धनिया। ये हमारे दोनों मसाले आ गए, और हमें ज़ीरा चाहिए छोंकने के लिए बहुत ही ज़रा सा, 10 से 12 दाने सिर्फ ज़ीरे के। और इसके अलावा हमें चाहिए ये साबुत मिर्च, लाल मिर्च हमने इसमें नहीं डालनी है, हमें ये साबुत मिर्च डालनी है। हमें ये सबसे पहले तेल में डाल के वापस निकाल के इसको हल्का सा कूट के मिर्च इसके ऊपर से छिड़कनी है, और बस इसमें हमारा नमक जाएगा बहुत ही कम मसालों के साथ। और बड़ी टेस्टी ये हम ग्वार फली बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा तेल गरम हो गया है, हम इसके अंदर सबसे पहले डालते हैं अपनी ये साबुत लाल मिर्च। ये ऐसे तलने से इस मिर्च का जायका जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, और इसका जो तीखापन है वो भी एकदम कम हो जाएगा, इसीलिए हमने थोड़ी सी ये ज्यादा ली है। तो ये हम इसको ठंडा होने देते हैं फिर कूटते हैं। इतना हम भून लेते हैं अपना मसाला। ये डाला हमने इसके अंदर चुटकी भर जीरा, जैसे जीरा चटका हमने ये अपना कद्दूकस किया हुआ मसाला इसमें डाल दिया, जो कि सिर्फ हल्दी और धनिया है। ये हमने मसाला भुना और ये हल्का सा हमने मसाला चलाया, बहुत देर मसाला नहीं भूनना है। और ये हम डाल देते हैं इसके अंदर अपनी ये ग्वार फली, ये गई हमारी फली। इसके अंदर हमें सिर्फ नमक डालना है और इसको पकने देते हैं। ये डाला हमने इसके अंदर 2 चुटकी नमक, और इसको कर देते हैं हम कवर। ये जो इसके अंदर हल्का सा पानी है ना, जो हमारी फली ने छोड़ा है, इसको इसी के पानी में और इसी के स्टीम में पकने देते हैं, क्योंकि हमें ये फली इतनी नहीं पकानी है अपनी ग्वार फली कि ये पूरा भुरता बन जाए, बल्कि ये हमें इसी शेप में रखनी है जो हमें इस वक्त नज़र आ रही है। तो इसमें पानी वानी कुछ नहीं डालना है, और हमने ये किया इसको कवर, और एकदम मंदी आँच पर इसको पकने देते हैं। ये देखिए हमारी लाल मिर्च जो हमने तेल में तल के निकाली थी, उसको आप निकालते के साथ ही इसमें कूटेंगे तो वो कूटेगी नहीं। इसको थोड़ी सी हवा लगा, और हवा लगा के यूं तोड़ के देखें, जब ये इस तरीके से यूं टूट जाए ना, ये रही हाथ से ही चूरा हो जाएगी ये, लेकिन मेरे हाथ में मिर्चें लगती हैं। तो इसको इसके अंदर कूट लेते हैं, एकदम निकालते ही तेल से हम इसको कूटेंगे, या हाथ से बारीक करना चाहेंगे तो नहीं होगी। जरा सी देर हवा लगाने के बाद इसको ये किया हमने बारीक, और ये हम छिलक देते हैं अपनी फलियों के ऊपर। ये देखिए हमारी फली 3-4 मिनट से पक रही थी, और ये हमने इसके अंदर डाल दी अपनी लाल मिर्च भी जो हमने पहले तली थी, और अब हमने इसको कूट लिया है। ये गई हमारी मिर्च इसके अंदर, अभी भी हमें इसके अंदर थोड़ा सा पानी नजर आ रहा है, ये पानी खत्म हो जाने तक हम इसको पकाते हैं। आप ज़रूर बनाएं इसको और खाएं इंशाल्लाह बार बार, तो फिर आप खुद ही बनाते रहेंगे। इसको ज़रा सी देर और पकाते हैं, और ये एकदम हमारी सब्जी तैयार है।